मशहूर निर्माता निर्देशक रमेश शिप्पी अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 23 जनवरी को जन्मे रमेश शिप्पी ने 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में एंट्री कर ली थी। बाल कलाकार के तौर पर अभिनय भी किया और जब बड़े हुए तो कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल गुंडे का भी किया। लेकिन रमेश शिप्पी को पर्दे पर चमकने से ज्यादा पर्दे के पीछे काम करना पसंद था, इसीलिए उन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकियां अपने पिता की फिल्मों की शूटिंग के समय सीखी। निर्देशक एचएस रवेल की फिल्म मेरे महबूब में सहायक के तौर पर काम किया। जौहर महमूद इन गोवा फिल्म में सहायक निर्देशक के तौर पर जुड़े। इस दौरान फिल्म के कलाकारों से बातचीत की और उनके सहायक के तौर पर भी काम किया। कहते तो ये भी हैं कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री साधना के चप्पल तक उठाए। फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के समय अपनी लिखी कहानी लीड हीरो शमी कपूर को सुनाई। शमी बोले, मुझे तो याहू के नाम से लोग जानते हैं, मैं तो डांस व उछल कूद वाली फिल्में करना पसंद करता हूँ। रमेश शिप्पी फिर बोले, शमी जी कहानी तो एक बार सुन लीजिए। शमी ने कहानी सुनी और इस तरह रमेश शिप्पी के निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म अंदाज का खाका तैयार हो गया। फिल्म में शमी कपूर के अलावा हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को साइन कर लिया गया। फिल्म बनी और 1971 में रिलीज हुई। यह फिल्म बेहद ही कामयाब रही और इस तरह रमेश शिप्पी बतौर निर्देशक सिनेमा में स्थापित हो गए। इसके बाद सीता और गीता, फिर शोले, शक्ति, शान और सागर जैसी बेहद ही कामयाब फिल्म रमेश शिप्पी ने बनाई। रमेश शिप्पी की गणना उस वक्त के बेहद ही कामयाब निर्देशकों में होने लगी। फिल्मों के अलावा रमेश शिप्पी ने टीवी सीरियल भी बनाया जिसका नाम बुनियाद था। विभाजन की त्रासदी पर बना यह सीरियल बेहद ही कामयाब रहा। इसी सीरियल के लिए ऑडिशन देने आई एक लड़की ने रमेश शिप्पी की शादीशुदा जिंदगी को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अपने से 23 साल छोटी किरण जुनेजा को देखते ही रमेश शिप्पी को प्यार हो गया। कुछ सालों तक दोनों ने डेट किया और पहली वाइफ को तलाक देकर किरण से 1986 में रमेश शिप्पी ने शादी कर ली। बतौर डायरेक्टर रमेश शिप्पी की आखिरी रिलीज फिल्म शिमला मिर्ची है जो 2020 में रिलीज हुई। निर्देशक के साथ ही रमेश शिप्पी ने दम मारो दम, नौटंकी साला, सोनाली केबल, टैक्सी नंबर 9211, कुछ न कहो और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया है। इसके अलावा सजा, शहंशाह और शिमला मिर्ची जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी रमेश शिप्पी ने अदा किए हैं। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।